तो ये देखो गाइज, ये इस तरह से होते हैं स्पेस स्पेड, ये व्हाइट वाले होते हैं, थोड़े येलो ये वाली खुरमानिया, ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए कैसे पक गए हैं। आई हूँ खेत खेत में, हमारे यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, सफेद वाली खुरमानिया पक गई है। खुरमानिया दो तरह की होती है, एक पीली होती है, एक सफेद वाली होती है। तो सफेद वाली हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं शक्करपारे। तो इसको तोड़ने आई हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है, तो सुबह सुबह ही मैं आ गई हूँ क्योंकि फिर धूप पड़ती है और मुझे ना वैसे ही अभी सुबह सुबह ही यहीं फिर थोड़ा परे सांप मिला, बहुत बड़ा था। तो चलिए तोड़ते हैं आज खुरमानिया। तो ये देखिए, ये है वो खुरमानिया, अभी हो रहे हैं सुबह के 8:07। तो मैं सुबह सुबह ही आ गई थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लगती है और चलने में भी फिर दिक्कत होती है, पर इस बार ना साइज नहीं है अच्छा। तो ये देखिए, ये खाने में मीठी है, ये वाली खुरमानिया खाने में मीठी होती है बहुत ज्यादा। ये देखिए मेरी खुरमानिया, अभी इसमें बहुत सारी है, तोड़ देखो। गाइस मैंने सारे तोड़ दिए, पर एक टहनी में रह गई थी, ये देखिए ऊपर एक टहनी में रह गए थे, एक दो टहनी में, ज़्यादा नहीं, अब 10-12 रह गए ये मेरे से। इस खेत में तो मैंने तोड़ दिए खुरमानियाँ। तो ये देखिए, ये प्लम है यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादातर खुरमानी प्लम और खट्टी वैरायटी है ये मैक्सिमम, क्योंकि ये खेत ना ऐसे है, मतलब ड्राई जैसी जगह है ये, सनी जगह, ये देखिए। और प्लम बादाम इस तरह के ही पेड़ है यहाँ पे, सेब तो ये है छोटे छोटे। तो प्लम में तो अभी बहुत टाइम लगेगा। गाइस अनार भी लग गई इसमें, ये अनार का पेड़ है। मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाह रही थी, ये देखिए। तो ये पेड़ है हमारे यहाँ पे, इसको बोलते हैं काकड़, और जो ये इसमें लगी है ना फली, वो गिर गई, ये होती है इसमें लगी, ये बड़े काम की चीज़ है, दवाई बनती है इससे, खांसी की दवाइयाँ। तो इनको ना शायद तो पहले घी में भूनते हैं, ये पुरानी है पर घी में भूनते हैं, फिर इसकी दवाइयाँ बनती है, इसका पाउडर बना के दवाइयाँ बनती है। तो ये लो हाइट में बहुत होता है ये वाला पेड़, काकड़ का पेड़। तो हमारे इसको ना काकड़ शिंगी बोलते हैं, जिसकी दवाइयाँ बनती है, जो सींग की तरह होते हैं, काकड़ शिंगी बोलते हैं इसको। गाइस आज बना रही हूँ मैं खुरमानी की बर्फी। तो वैसे तो इसके लिए ड्राई खुरमानी होती है, पर मैं ताज़ा ताज़ा खुरमानी की बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तो इन खुरमानी में जो बिल्कुल पकी पकी खुरमानी है उनको ही डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने काजू लिए, इसके लिए पीसूंगी मिक्सी में, बिल्कुल बारीक पाउडर बना दूंगी इनका। तो गैस ये मैंने कोकोनट
पाउडर लिया है, और ये काजू मैंने पीस लिया है, और ये शुगर पाउडर है पिसा हुआ, और ये मिल्क पाउडर। तो गाइस ये मेरे पक्के है, और इसका भी सीड भी निकाले हुए हैं। और ये मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ, घी में, तो गाइज इसमें ये काजू पाउडर मैं इसी में डाल रही हूँ, और ये नारियल पाउडर भी। और ये मिल्क पाउडर इसी में डाल रही हूँ, और ये शुगर पाउडर। तो गाइस ये देखिए मेरा इस तरह से हो गया है। तो ये मैं अब इसमें मिक्स कर रही हूँ। मेरे पास कोई भी फूड कलर नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। ये वैसे भी वाइट खुरमानी है, और साथ में मैदे में बनी है, तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ ठंडा होने का। इसमें मैं घी लगाऊंगी ताकि ये नीचे ना चिपके ठंडा होने पर। ये देखिए मेरी खुरमानी की बर्फियाँ हो चुकी है तैयार, और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी है खाने में। और वैसे भी खुरमानी को खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और साथ में ना इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों ही पोषक तत्व की अच्छी मात्रा होती है, तो खुरमानियाँ जरूर खानी चाहिए। और बर्फी खाने से तो ये होता है कि चलो बच्चे ऐसे खुरमानियाँ नहीं खाते हैं, फ्रूट नहीं कहीं खाते हैं, तो बर्फी सभी बच्चे खा लेते हैं, तो ज़रूर बर्फी बनाएं। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।